मेरा टॉपिक जो है वो वर्मे कबित है, उसका मेजर पार्ट सर ने कवर कर दिया और जो जीपी के हिस्से का पार्ट है, सर का तो सुपर स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है, मेजर में जीपी के हिस्से का पार्ट रहेगा उसको हम कवर करेंगे। थोड़ा पीछे 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 देखें, हम इसको छोटा जल्द से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि भूख वाजिब ना हो किसी पर। लिवर एनाटॉमी थोड़ी सी इसके बारे में कि ये एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन रखने वाला ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, अपार्ट फ्रॉम स्किन, स्किन के अलावा सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में और रफली 2.5% ऑफ टोटल बॉडी वेट हमारा कंज्यूम करता है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा पसे मतलब ये रख दूं कि मेरी प्रेजेंटेशन गर्मी जिगर पे क्यों है। हम सब लोग असूल इलाज पढ़ते हैं तो सबसे पहला इलाज में क्या सबसे पहले लिखा हुआ होता है, हमें तालिबे इल्म के ज़माने में पढ़ा है, एक चीज लिखी भी होती है, वो क्या है? कब्ज को दूर करें। एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी होती है आतिफ ने, कदीम ने, जितनी भी लाइन, एक लफ्ज लिखा होता है कब्ज को रफा करें। सबसे पहला मतलब हमारी जो भी ट्रीटमेंट होना है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है, कब्ज को रफा करें। और कब्ज को रफा करने के लिए आपको निजाम हजम यानी हजमे मेदी और हजमे कबदी को रफा करना पड़ेगा। यानी हम जो कुछ भी करेंगे और जो कुछ भी होगा इससे वो होगा यही वही, इसके आगे नहीं होगा। जैसे सर स्किन के बारे में बात कर रहे थे, होगा भी यहीं से। अरे सर ईएनटी के बारे में बात कर रहे थे, वो भी होगा यहीं से, शुरुआत यहीं से होगी। तो थोड़ी सी एनाटॉमी बेस पे जोर ले लेते हैं, हमने तालिबे इल्म के ज़माने में ली भी है एनाटॉमी की क्लासेस में, तो ये है आपके सामने। इसके बेसिकली चार स्ट्रक्चर जो सर्विसेज रहती हैं, सुपीरियर, एंटीरियर, इन्फीरियर और राइट, यानी ऊपर बालाई, जेरी, दरमियानी और नीचे की सतह। ये चारों सतह बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी। इसके दो डिवीजन रहते हैं अमूमन लोब्स के हिसाब से, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और जो राइट लोब होता है वो थोड़ा सा स्मॉल बड़ा रहता है लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में। आगे लीजिए प्लीज। फंक्शन ऑफ लीवर हम सब पता है, मैं जैसे कह चुका हूँ, जो कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है विटामिन से लेके मेटाबॉलिज्म से लेके किसी भी चीज का मेटाबोलाइज हो रहा है वो सब लीवर में हो रहा है। सिक्रीशंस हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो रहा है, सब हमारा यहीं से हो रहा है, इसलिए ये सब आसानी के लिए है। अब इसका जो मेन पार्ट है जो हम जिस पे बात करेंगे वो यूनानी मैनेजमेंट है। जैसे ही जमीन सर ने हमें सिखाया और हमने सीखा कि हमें किसी भी चीज़ की मॉडर्न के बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद करती है कि यूनानी में उससे हम क्या काम। कबित है जो जिगर है उसका नॉर्मल मिजाज, हर आजा में एक अपना मिजाज रहता है, इसका मिजाज गर्म तर है। अगर कोई भी फासिल मवाद इनमें से दो चीज़ों में बदलाव लाएगा तो हमारे पे कबित को इस्लाह करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम वर्म की बात कर रहे हैं तो वर्म जो है वो मर्ज़ मुफ़रदा नहीं है, वो मर्ज़ मुरक्कबा है। जैसे सर के लेक्चर में हम सुबह सुनी चुके हैं, सोए मिजाज, सोए तरतीब और तफरकुर सार, ये तीन चीज़ें एक साथ जब होंगी तो आपका वर्म यानी वर्म कबित कहाँ होगा। सुबह भाई प्लीज। अब ये जो स्लाइड है इसकी जरा थोड़ा सा गौर करिए, इसमें इस्माइल जुर्दानी साहब का भी बहुत अच्छा कॉल है, क्योंकि मुहिदे आजम का वर्म कबित मुकर और वर्म कबित मुहद्दर। हम इसको इस तरह से देखें मेरी तरफ थोड़ा सा आप लोग कि लीवर के दो पार्ट हैं हमारे, डायफ्राम के ये वाला पार्ट और एक से नीचे का पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है वो डायफ्राम से चिपका हुआ है, ठीक है, और नीचे का पार्ट विसरल पार्ट है जो नीचे से सारे इंटेस्टाइन हमारे स्टमक से उनके रिलेशन में। तो ये जो है इसका नीचे से कॉन्वेक्स की शेप में है, कॉनकेव की शेप में, सॉरी, दैट इज मुकर का, और ऊपर का है सॉरी कि ऊपर की दैट इज कॉनकेव कॉन्वेक्स की शेप, दैट इज मुहद्दब का। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस है। हमारे पास पेशेंट आया, हमें उस माध्यम का सफराग करना है। सफराग का तरीका ये है कि जो उस माध्यम के हिसाब से, अगर रकीक है तो रकीक के हिसाब से सफराग देना है, और गलीज है तो गलीज। अगर कोई मादा रकीक है और आप उसमें कभी सफराग करते हैं तो आप तबीयत को बोझिल करके अल्टीमेटली पेशेंट को परेशान करने वाले हैं। और कोई गलीज मादा है उस पर आप ज़ईफ सफराग का इस्तेमाल करते हैं तो उससे वैसे ही आपका कोई मसला हल नहीं होने वाला, यानी मर्ज जू का क्यों या तो करा रहेगा या कोई दूसरा मर्ज आप उसकी वजह से करा रहे। ये दो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे बात बताता हूँ, होगी कॉन्वेक्सिटी ऑफ लिवर पे होगी और जब नीचे की तरफ होगी कॉन्केव उस पे होगी, तो ये दोनों में फर्क कैसे करा जाएगा। थोड़ा एक मिनट में टॉक रोक के इस चीज पर ध्यान जाऊंगा कि हम लिवर का जब क्लिनिक पे इलाज करते हैं तो ये सोचते हैं
कि हमें अब ये वर्मे जिगर तो हो गया, अब इसका माध्य का स्थापना करना है और ये कैसे हम अंदाजा लगा पाए बगैर किसी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के कि इसको स्थापना या तो तरीन करना है या तदरीन करना है, यानी या तो इधरार देना है या फिर उसको मलेशियन दवा देनी है। उसका आसान तरीका ये है कि जो ऊपर का पार्ट है डायफ्रामेटिक पार्ट में जो कुछ भी स्वेलिंग आएगी उसके लिए आपको सिर्फ इधरार करना है। उसका मादा रकीक होगा और उसका मादा रकीक होने की वजह यह है कि वहां पर सफरा और दम का इस्तेमाल होगा। मैं एक एग्जैक्ट मिसाल तो नहीं दे रहा लेकिन एक कोरिलेशन के लिए मिसाल देता हूँ। हम लोग टीबी के लिए एक्सरे कराते हैं और एक्सरे में हमेशा राइट अपर जोन में अगर हमारे हाइड्रोजेनस ओबेसिटी आ रही होती है या होमोजेनस ओबेसिटी आती है तो हमारा पहला ध्यान कहाँ जाता है कि टीबी है। अगर मिडल जोन में आ रही होती है लोअर जोन में आती है तो हम ये नहीं कहते कि वो टीबी है, हम वो मान के चलते हैं कि वो निमोनाइटिस का भी कॉज है जो सीक्वल रह गया है, रिजॉल्व होने वाला निमोनाइटिस है जो चल रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है ऊपर का पार्ट है यानी जो रकीक मादा है वो ऊपर की तरफ ही रहेंगे और उनकी तरफ। दूसरी बात इसका रिलेशन सीधा सीधा मादा का मुंतकिल होने से है क्योंकि जो जिस चीज के टच में है रिलेशन में है मादा वहीं से मुंतकिल होकर रहेगा क्योंकि डायफ्राम के ऊपर जो हमारा हार्ट रेस्ट करता है, हार्ट का जो मिजाज है वो भी गर्म तर है, वहां से जो मादा मुंतकिल होगा अगर कोई परेशानी के नतीजे तो वो इसको मुतासर करेगा और वो मोहतबे जिगर बंद का बास बनेगा और वहां पे हमें तदरीर करनी है, इदरार करना है और मुदेरात का इस्तेमाल करना है। परमे जिगर मुगर यानी जब हमारा ये नीचे का हिस्सा यानी जो हमारे इंटेस्टाइन है हमारे नीचे के जो ऑर्गन्स है उनसे विसरल सरफेस है बेसिकली उसमें सूजन आएगी या उसमें वर्म का वर्म दाग होगा तब हमें क्या करना है, तब हमें तलीन करना है यानी हमारे जब वर्म जिगर के साथ साथ अगर हमारे को मैदे की कोई परेशानी हो रही है जैसे सर ने बताया माजून दबी दुर्बर देना है डायग्नोज किया सर ने उसको जोफे मैदा बलगमी लेकिन एंड में उसे क्या दिया माजून दबीदुल वर्क दिया। वो क्यों दिया दबीदुल वर्क जो है गुलाब बेहतरीन मुलैजन तबा दवा है मतलब मुलैजन दवा है वो यहाँ पे इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जो मैं है हमारी बात है वो अदबा इकराम उस बात पे मुत्तफिक है। और ये कौन इस्माइल जुजारी साहब का मोहित आजम का। अब ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब जीपी प्रैक्टिस में हैं और हमारे पास एक मेहमान आता है एक दवा का नाम बताता है लिवेक्सटू, मैं उसका पूरा नाम नहीं बता रहा। तो सबसे बेहतरीन दवा है सर ये लीवर की सारी बीमारियां ठीक कर देती है ठीक है और इससे इसको लेने के बाद हमारे जीपी को कभी भी कोई लीवर की तकलीफ होती नहीं क्योंकि उसे लगता है उसे सबसे बेहतरीन दवा दे दी है। और अच्छी बात भी है कि मार्केट शेयर 50-60% है लीवर प्रिवेंशन का जितना भी उस सिर्फ एक दवा का। अब हम उस दवा के बारे में बात कर लेते हैं। उस दवा में सिर्फ दो दवा है तुकमे कासर और बेखेकर और इन दोनों का मिजाज जो है वो हार है। दूसरी बात एक और है ये दोनों मुदर दवा यानी ये 10 में से सिर्फ 6 या 5 पेशेंट के लिए मुनासिब दवा, 4 पेशेंट्स के लिए मुनासिब दवा नहीं क्योंकि जिनको कन्वेक्सिटी जो जिनको कॉन्केव साइड ऑफ पे वर्म हो रहा है उनको हम इधरार नहीं कर सकते, उनका तो हमारे को तरीन ही करना पड़ेगा तभी हमारा कंप्लीट रिजोल्यूशन होगा वर्म का। ये इंपॉर्टेंट बात है और इस चीज को आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। जब वर्म मुहतबे जिगर होगा तो शर बजूरी हमारे मामूल मतलब रहता है बहुत आसान सी दवा है हर जगह मिल भी जाती है इस चीज में लाजवाब काम करती है। अब इसका मैं थोड़ा सा क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता देता हूँ। पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब मेरे दोनों पसलियों की तरफ दर्द हो रहा है मेरे को हाजमे में कोई परेशानी नहीं है खास तौर से 30 साल से ऊपर की लेडीज जो है वो ये लेकर आएंगी कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है बस मेरे दोनों पसलियों के चारों में दर्द हो रहा है। उस वो सिंपल सी अलामत है उसको हेप्टोस्पिनोमेगेली की स्टार्टिंग हो गई है। अब मैं अक्सर बदेरी दवा भी खा ली मैंने ये वाले शरबत भी पी लिए वो जो मार्केट में सबसे अच्छी दवा है वो भी ले ली लेकिन तर नहीं हुआ हमने शरबत मजबूरी दिया और उसके हिसाब से दर्द लगी तो अरके मको ऐड कर दिया आबे मको कासनी ऐड कर दिया विद इन 7-15 डेज क्योंकि ये दम भी और सफरा भी मर्ज है जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अब जब मुकर जिगर पे जब वर्म होगा वो पेशेंट आपके पास अमूमन तकलीफ हस्बैंड कभी और मेरी दोनों पे लेकर आएगा डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती जी मालिश रहता है पेट की तकलीफ हमें मेदा के हिसाब से भी लेके आ सकता है जी मालिश करता है उल्टी आने का मन करता है खाना देखते ही ऐसा लगता है कि अभी उलट दूं मैं और पेट में भारीपन हो जाता है
ये सब तकलीफें लेके आया। आपको सिर्फ दो दवा देनी होगी उसको, फमे मेदा के हिसाब से शरबत, शरबत तेनार और अदरक के गुलाब, विद इन 3 से 7 दिन उसको अलहमदुल्ला ये तकलीफों से फायदा हो जाएगा। इसके अलावा वो कई बार गर्भ अशनाशनी में भी मुतासर होगा, क्योंकि मादा जो है मुंतकिल होगा। मादा मुंतकिल का मतलब ऐसा समझिए कि पानी है वो तो बहेगा, ऊपर से नीचे ही बहेगा, जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी परेशानी बढ़ाता जाएगा। जैसे आलू सर बता रहे थे कि यही सेम उनके हैपनिंग हो रहा है वहाँ पे, कि भाई जब जो परेशानी हमारे नेजल म्यूकोसा में स्टार्टिंग हो रही है वही कंटिन्यू कर रही है फैरिंग्स में, वही कंटिन्यू कर रही है लैरिंग्स में, सेम यहीं पे हो रहा है, मादा मुंतकिल हो रहा है। कोई मुशायब खादी बदली नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन वहीं से जो चल रही है वो एंड तक है, परास के रास्ते आखिर तक में म्यूकस मेम्ब्रेन वहीं पे रहती है। जब भी मादा मुंतकिल होगा हमें उसका सफराक करना पड़ेगा, और उसका सफराक हम जिगर को जोड़े बगैर नहीं कर सकते। ये एक बात और लाजिम समझ लीजिए कि अगर हमें गर्भ में मैदा का इलाज करना है तो फिर भी वही बात जो दिमाग के लिए, उसका मरकज क्या है, जिगर है। पहले जिगर का काम करेंगे फिर मैदे का इलाज करेंगे। सिर्फ जवारिश अनारे दे देने से उसका मसला सॉल्व नहीं होगा। अगर आप जवारिश अनारे दे दें या अर्क गुलाब दे दें, उसके साथ साथ शरबत दिनार लिख दें, तो तब उसको आप रिजल्ट देखिएगा, उसका सुकून देखिएगा। ये नुस्खा मेरे मामूले मतलब है। नीलोफर उमदा तुफे खासी मकौल सौंप का जो शानदार महबूमत दमी मरम के मरीजों को मिला था वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आगे अब यही देखिए सॉरी तो गला खराब है, इसमें एक चीज ऐड हुई है सिर्फ शिकंजवी, क्योंकि सफरा अपनी हिद्दत से बलगम को चबा देगा और शुद्धा बना देगा, इसलिए उसको तोड़ने के लिए सिर्फ शिकंजवी ऐड हुई है, बाकी सारे उसके सेम है। बलगमी में हार नजरा देने हैं यहाँ पर हमें, अगर किसी औरत को यही वर्म मध्य पार्ट पे हो रहा है तो हमें हार मुद्रा करना, शरबत मजूरी हार को प्रेफर करना। अब संदीन जैसे आप बताइए, मैं ये मानना है कि बलगमी वर्म कहीं पर भी हो बॉडी में, उसको तहलील करने की इससे अच्छी दवा नहीं है, और गलीज और रकीक दोनों बलगमी वर्मों में एक जाम काम करती है। मौजूद जबीदुल वर्म रकीक वाद्य को तलीन करता है। अब कोई क्वेरी या क्वेश्चन प्लीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं बन रही है कि मुअद्दब कॉन्वेक्स में या कॉनकेव में बराबर चला है, अगर खादिमा पेट की खराबी हो रही है तो उसमें क्या परेशानी है? पेट की खराबी नहीं है, आपको जिगर की सलाह करनी है, जैसे एक्ने हो रहा था पेशेंट को, आपको उसमें भी जिगर की सलाह करनी है ना, हरारत जिगर को कम करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे उसमें? आप तलीन नहीं करेंगे उसमें, आपको आपको तकलीफ करना पड़ेगा, इजरार करना पड़ेगा। आप शरबत मजूरी देंगे, शरबत नीलोफर के साथ देंगे आप उस टाइम, फिर शरबत मगों के साथ, हाल के मगों के साथ देंगे। पनवी डायग्नोसिस आप बड़ा सादा सा रसूल याद रखते हैं, इसका बड़ा आसान तरीका है, पेट से होने वाली तकलीफें हो रही है ना तो नीचे की विसल कौन करें, तलीन करनी है। इसके अलावा जिगर की इसलाह करनी है तो फिर आपको तकलीफ करनी है। लेकिन एक बात कह दिया, मिजाज का ध्यान रखना। आपने शरबत मजूरी मैंने तो बोल दिया, आपने बलगमी मिजाज के मरीज को शरबत मजूरी बोलता था कि शरबत मजूरी बाधित दे दिया, तो आपने परेशानी बोल दिया, उस टाइम आपको शरबत मजूरी हार देगा। औरतों में शरबत मजूरी हार का ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, अपने आप में मुंजिज भी है, जरूरी नहीं है कि उस हर मरने का मुसिब की जरूरत पड़े, मुंजिज भी कई बार अपने आप को नजुज यानी कवाब में नॉर्मल लाने के लिए नॉर्मलसी की दवा है। हर दफा मुंजिज का मतलब ये नहीं होता, हम किताबों में भी पढ़ते हैं कि मुंजिज का मतलब ये है कि उसके बाद मुसल दिया जाए, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब पादे की शिद्दत इतनी हो जाए कि तबियत मोजिर हो जाए तभी आपको सबराक करना है, ये असूल कुल्ली है सबराक का। अगर हमने मादा रही है उसको सबराक की जरूरत नहीं है, मतलब मुसल की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, और हमने उसको मुसल दे दिया तो तबियत मोजिर हो जाएगी। आपका पेशेंट आगे भी नहीं आगे बता देगा, डॉक्टर वो जो दवा दी थी ना बड़ी कमजोरी पैदा कर दी है। एक और जनरल प्रैक्टिस में हम जो जीबी में करते हैं खास तौर से लीवर के टाइम पे, 2 या 3 मौली लात एक साथ दे देते हैं, शरबत मजूरी दे दिया, दबीदुल वर्क दे दिया, संतीन दे दिया, 3-4 तरह के कॉकटेल सा बना के उसको दे दिया, तबियत आपकी जो है वो गालिब है। आपको इलाज जो करना है वो तबियत के माफिक करना है, तबियत को बोझिल नहीं करना है। जब भी आप कोई भी मौली लात जैसे ही जोड़ेंगे वो तबियत उसका बदल देगी। आपने तबियत को कहा भाई इस चीज को बाहर फेंको, उसने कहा ठीक है एक काम कर सकते हैं, अब आपने उससे कहा पेशाब करके रास्ते बाहर फेंको, थोड़ी
थोड़ी देर बाद आपने दूसरी दवा दे दी, अब कहा जी से बहाने के बाद वो परेशान हो गई, फिर वो उसने अपना जो बचा बचा काम था वो भी नासाज हो गई, काम करना बंद कर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो जीपी हम लोग एज ए यूनानी प्रैक्टिस में लाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें दवा डीओसी चूज करनी है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस। हमारी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या किस तरह से डायग्नोसिस बना रहे हैं, सबसे पहला पार्ट वो इम्पोर्टेंट, दूसरी जो दवा दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, तीसरी उससे क्या रिजल्ट चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट। इन तीनों को इन टेंडरनेस देखना पड़ेगा, हम तीनों को अलग अलग नहीं देख सकते। ये जरूर करा जा सकता है कि हम जैसे क्रिकेटियम रिथम रहती है कि सुबह के टाइम हम कोई ठंडी दवा दे सकते हैं, दोपहर के टाइम कम ठंडी, रात के टाइम कम ठंडी, मौसम के हिसाब से या फिर टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि रात के टाइम जैसे डॉक्टर क्वेश्चन तो ये थे, जैसे डॉक्टर जबीर सर ने कहा था कि माजुद ने जा दे दी मैंने 4 बजे, सवाल जहन में ये पौधना चाहिए था जो तालिब इल्म थे कि क्यों दे दी 4 बजे, 11 बजे क्यों नहीं दी। वही बात है ना, उसकी साथ ये है। वैसे मैं उस्ताद है मेरे, मैं गलत ये था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर सौदागियत है तो आपको उस वक्त अंकिया जब करना है जो वो सबसे कमजोर होगी, और सौदा की जब से सबसे सबसे ज्यादा कमजोरी होगी सुबह 11 बजे, जब आपका सूरज आपके सर पे होगा, आपके सारे फाल दुरुस्त होंगे। इसलिए मैं भी जब कभी माजुद नजा लिखता हूँ, जब सौदा का तनकिया करने की कोई खास दवा लिखता हूँ, या तो उसे बाबा ख्वाब लिखता हूँ, बाबा ख्वाब का मतलब सोते समय, उसकी खासी होती है कि वो डिलेड एक्शन होता है, वो 3 या 4 बजे एक्ट करना स्टार्ट करती है, बॉडी में जब भी डिजॉल्व होंगे 3 या 4 बजे, या फिर सुबह 11 बजे करता हूँ जब उसको कमजोर होता है, तबियत उसके उसको ढीला कर देती है, पका देती है। जरा सब लोग को थोड़ा सा समझा पाया।